हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मे अरुण किचन। तो आज का हमारा रेसिपी है मटर पनीर की रेसिपी। यह बहुत ही इजी एंड न्यू रेसिपी है। हमने हाफ के जी पनीर लिया है और हाफ के जी मटर है। हमने पनीर को कुछ इस तरह से काटा है और हमने एक मीडियम साइज़ का टमाटर और एक प्याज जिसको हमने पेस्ट बना लिया है और हमने अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट बनाया है, यह 5 चम्मच है। और हमने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया जिसको हमने बारीक काट लिया है और 2 सूखी मिर्ची हैं, 1/2 चम्मच जीरा है और 4 लौंग हैं। आप देख सकते हैं थोड़ा सा हमने खड़े मसाले लिए हैं। हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें पनीर को फ्राई कर लेंगे। अब हम इसको पलट देंगे। हम इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा फ्राई करेंगे। हमारा पनीर रेडी हो गया है, हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे, थोड़ा सा ब्राउन करेंगे और इसमें प्याज भी ऐड कर देंगे। इसको हमें गोल्डन ब्राउन करना है, इसको चलाते हुए पकाएंगे। अभी रेडी हो गया, अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको हमें ढककर 4 से 5 मिनट तक पकाना है। अब ये भून कर हो गया, अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। और नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और धनिया पाउडर 1 चम्मच और 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच के बराबर इसमें हम डालेंगे पनीर का मसाला और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इसको हमें ढककर 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है ताकि हमारा मसाला अच्छे से भून जाए। अब हम इसमें 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, इसको मिक्स कर देंगे। अब हमें इसको ढककर 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है। हमारा मसाला भून कर रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें मटर को डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसको हमें 2 से 3 मिनट तक पकाना है मीडियम फ्लेम पर ढककर। अब ये पककर हो गया है, अब हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। अब हम एक प्याज को फ्राई कर लेंगे जिसको हमने कुछ इस तरह से काटा है, आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। अभी रेडी हो गया है, अब हम इसको पनीर में ऐड कर देंगे। और इसमें टमाटर भी थोड़ा सा ऐड कर देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे 1 गिलास के बराबर और इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब इसको हमें 2 सीटी मीडियम फ्लेम पर लगाना है। हमारी सब्ज़ी रेडी हुई है, आप देख सकते हैं देखने में कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। अगर आपको हमारी यह रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।